पहले राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज मैं अपनी ननंद के घर जा रही हूँ, उनको बेटी हुई थी ना, तो बेटी है ना दीदी की मिलने आई है मायके अपने। वो मुझे बुला रही थी कि मामी आप आओ मुझसे मिलने ही नहीं हो, तो उनकी बेटी हुई है तो बेटी को पहली बार लेके आई है। तो बस ननंद के घर जा रही हूँ, तो आपको ननंद का घर दिखाऊंगी यार, ये लोकल में ही है। तो गाइस ये है मी ननन, मैं इनके घर आई हुई हूँ, इनकी बेटी आई हुई है, उनसे मिलने आई हूँ, उनको आपने देखा होगा। तो अच्छी तो वैसे तैने दाई चलिए जाई हूँ आई हूँ। तो गाइस ये है प्यारी सी बेटी, इसको मैं मिलने आई हूँ, और मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाला था नन्नी परी के नाम से। और ये 2 मंथ की हो गई है, सो रही है, ये इसकी मम्मी है, तो मैं इन्हीं को ही मिली आई थी। ओ ये सो रही है, खड़ी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, नींद में आप देख रहे हो। टुक 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 ए फ्रूटी फ्रूटी। तो गाइस ये बहुत गहरी नींद में जा चुकी है और ये उठ नहीं रही है, मैं इसको उठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। देख ना बहुत मक्का है, उसकी मामा बोल रही है बहुत मक्का आ रही है, देख रहे हैं आप बच्चे कितने नींद में गहरे होते हैं। ये उठ जा, और ये फिर से सो गई। म्याऊ जग गया। अले भैया अले भैया अले भैया अले भैया अले भैया अले भैया चलो 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 आई सी क्रीम खाएगी, फ्रूटी फ्रूटी पिएगी, फ्रूटी फ्रूटी पिएगी। तो ये कोरोना की शादी का फोटो, हमारी भांजी की शादी कोरोना में हुई थी गाइस। माई हमारी जोड़ी को यूं ना कह सकत कोरोना की के नहीं को बेगा ना कह सकत मत बोले कर पहले से। ओके ये दीदी मेरी भांजी की शादी है ना कोरोना में हुई थी, यही हुई थी शादी इनकी, तो मैं लगभग देख रहे थे इनकी। अब इनके कपड़ों की शॉपिंग देखते हैं, बच्ची के कपड़े खरीदे हुए हैं वो। तो मैं चाय बना रही हूँ दीदी के यहाँ, चाय दीदी नहीं है। जी हमारे छन्नू है, छन्नू भैया जी मेरा छोटा वाला भांजा है, तो ये गेम खेलते हैं, ये वीडियो भी डालते हैं, लेकिन मैं भी आपको इनकी वीडियो के बारे में बताऊंगी नहीं, किसी ने मना किया है। तो ये मेरी दीदी के ननद के छोटे वाले बेटे हैं। तो गाइस ये बहुत मशक्कत करनी पड़ी है इसको उठाने में, तभी उठी है, इसका टाइम होता है 5 बजे उठने का, हम तो घर को ही आए थे इसे मिलने के लिए। ओ ये फ्रूटी, जिस नाम से जिसका नाम फ्रूटी है, लेकिन वैसी फ्रूटी नहीं है कि खुल जाए तो हाल पी लो। और ये पूरे 2 महीने की हो चुकी है, और ये आशा की गोदी में, इसको
उठाया है, बहुत हिला हिला के तब उठी है। कोई आपको कोई दिख रही है? ये मैं आपको जूम करके दिखाती है, बहुत प्यारी है। और ये जब हुई थी ना तब मैंने इसको वीडियो बनाया था, वो वीडियो पूरा वायरल हुआ था, बहुत अच्छी लग रही थी। अब आता इसके कपड़े दिखाना है। इसके कपड़े हैं ये डंगरी टाइप है। एक ये ड्रेस है, ये बाबा सूट है, ये बाबा सूट है, ये टॉप टॉप है, ये इसका इसमें ऐसे खुल भी जाता है। बच्चों के तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। और एक टॉप, ये भी बाबा, ये भी है, नीचे से इसको बंद करते हैं। और एक जो ये भी ट्रेंड बॉल के ही कपड़े हैं। और एक जो पहनी है पहले से, वो एक टकटकी लगाए हुए देखे जा रही है, देखे जा रही है। इसका नाम प्यार से उसको फ्रूटी बोलते हैं, फिर पता नहीं इसके पापा ने क्या नाम रखा है, कुंडली का। तो मैं इसकी मम्मी से पूछूं, इसका ना रियल नेम है जो कुंडली में लिखा जाता है ना, वेदिका है। और वैसे इसको है ना हम लोग फ्रूटी बुलाते हैं प्यार से, और कुछ से भी नाम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से फ्रूटी फ्रूटी बोलते हैं। पेट खाली हो गया बेटा का, बाबा तो मैं कर पेट खाली हो गया मैं। दूध पिलाए सोना, सोना दूध पिलाए, रोटी दूध पी रही है, रोटी दूध पी रही है, रोटी दूध पी रही है। मम्मी क्या कह रहा बेटा? फ्रूटी दूध पीना है। क्या कह रही रानी परी? क्या बोल रही? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? फ्रूटी का मम्मा कहाँ है? फ्रूटी कहाँ है? कहाँ है? कुछ कह रहे? क्या कह रहे बेटा? आप क्या बोल रहे हो? उंगली तो चोट दो, चलो चलो। फ्रूटी अब फ्रूटी नानी के गोदी में टहल रही है। तो गाइस मैं दीदी कभी आई नहीं है, उनके क्या है परिवार में गमी हो गई है। तो दीदी के भैया ससुर है ना वो खत्म हो गए थे, मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। तो शिवानी घर पर चली थी तो दीदी बोली तुम्हें ना शिवानी के यहाँ रुक जाओ, लाइट खोलो यार ये अंधेरा हो रहा है। तो मैं ना शिवानी के पास ही रुकी थी, मेरी भांजी है ना, तो उनकी लड़की भी 2 महीने की हो गई है। शाम के 6 बज गए, दीदी अभी तक नहीं आई है, दीदी अभी आ जाएंगी ना तो फिर मैं ना घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि यहाँ गमी हो जाती है, उनके घर में खाना नहीं बनाया जाता ना, तो मैं उनके लिए खाना बना के भेजूँगी यहाँ पे, क्योंकि शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद ही खाना बनाते, सबके यही होता होगा। हो सकता है किसी के अलग तरीके का होता होगा या किसी के कुछ होता होगा। तो गैस बहुत प्यारी बेटी है उनकी, मुझे भी बहुत टाइम हो गया तो मैं सोच रही हूँ निकल जाऊँ, क्योंकि शाम भी हो गई है और धूप लेकिन बहुत तेज़ है, गर्मी का टाइम है, धूप बहुत तेज पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं ऐसा लाइट ऑफ करे के आना सारी, तो देख रहे हो आप बहुत धूप पड़ रही है। इसी से बाहर निकल के आते हैं ना तो बहुत धूप लगती है, घर भी जाना है। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ दीदी के घर पे, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने फटाफट से है ना ये चावल चढ़ाए हैं दीदी की। बेटी ने कहा कि मामी आप ना दाल चावल बना देना,
उस पर हफ आ गई एकदम। जैसे मैंने खोला तो ये चावल रखी है और इसमें मैंने धुली डाल रखी है मूंग की, फटाफट से बन जाएगी। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पे जो भी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।